जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 के बारे में, जिसके बारे में रिसेंटली एक लेटेस्ट जानकारी सामने आई है। और ये जानकारी बेसिकली है कि जो आपकी 1334 पदों पर भर्ती निकलने वाली है उसको मंजूरी गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई है। और अब आपकी ये भर्ती जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगी, जिससे कि आप इसके फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट भी कर पाओगे। तो उसके पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको वो जो न्यूज है वो दिखाता हूं, फिर बात करता हूं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और क्या क्या अन्य जानकारी रखी जाएगी इसमें एलिजिबल होने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी वो न्यूज है जो कि अनाउंस की गई है, यानी कि इस न्यूज के माध्यम से ही इस भर्ती के बारे में पता चला है कि हाँ इसको मंजूरी मिल चुकी है। आपके यहाँ पर 1334 पद होने वाले हैं, जिसमें कि 976 मेल कांस्टेबल के होंगे, 267 पद आपके फीमेल कांस्टेबल के होंगे और 91 आपके कांस्टेबल ड्राइवर के होंगे। और ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते बजट सत्र में करीब 1000 बेसिकली जब आपका बजट सत्र 2019-2020 था उसमें आपके 1000 पदों की घोषणा की गई थी, बट कोविड के चलते कुछ जो वैकेंसी है वो खाली हो गई। ऐसे में अब आपकी 1334 पद पर ये वैकेंसी या फिर ये भर्ती की जाएगी। और इसके बारे में अभी आपके मन में सवाल ये होगा कि ये बेसिकली भर्ती आएगी कब, जिससे कि हम इसके फॉर्म को भर पाए। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको जो नवंबर है नवंबर के एंड तक में भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से भर्ती अनाउंस की जाती है तो उसके बाद भी काफ़ी समय लग जाता है जो डॉक्यूमेंट वर्क होता है उसको पूरा करने में। तो ऐसे में आपको नवंबर के थर्ड या फिर लास्ट वीक के अंदर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बट ये है कि अब आपको ये सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हाँ ये भर्ती कब अनाउंस होगी या फिर कब इसको मंजूरी मिलेगी, क्योंकि ये काम हो चुका है। बस अब आपका जो गवर्नमेंट देरी करेगा वही देरी रहेगा और अब आपका नोटिफिकेशन आने का ही वेट रहेगा। अब चलिए बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक एक करके सभी जानकारी क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि आपने देखा पोस्ट का नाम आपका कांस्टेबल है, जिसमें कि मेल फीमेल और ड्राइवर के पद होंगे। कुल पोस्ट आपकी 1334 होगी। सिलेक्शन आपका फिजिकल एंड अदर स्टैंडर्ड, और इसमें आपका फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट भी होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। एग्जाम डेट और ये जो अन्य डेट है वो आपको टाइम आने पर मालूम हो जाएगी। एज लिमिट, तो यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट के बारे में भी आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट होंगे, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो एज लिमिट है वो आपकी जनरल में 18 से 23 साल रहने वाली है। SC ST में यहाँ पर नॉर्मली 18 से 23 ही होगी, बट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है वो दी जाएगी और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर अगर नॉर्मल एज लिमिट UR यानी कि जनरल के लिए 18 से 23 है तो इसमें 5 ईयर और ऐड कर दीजिए SC ST के, जिससे कि 28 वर्ष हो जाएगी, और OBC के 3 जिससे कि वो 26 साल हो जाएगी। बट ये भी एक्सपेक्टेड है, अभी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब इसमें अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो तो आपको टाइम आने पर मालूम हो जाएगा। हाइट की बात करें तो जनरल में मेल कैंडिडेट के लिए 5.6 और फीमेल में 5.2, SC ST में 5.4 और फीमेल में 5 फीट आपकी रहने वाली है। OBC में 5.6 और फीमेल में 5.2 ये आपकी हाइट रहेगी, ये भी एक्सपेक्टेड है। बट इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ आप लोग एलिजिबल हो पाओगे अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं। और बेसिकली जो हाइट होती है वो सभी जो जॉब निकलती है उनमें सेम होती है, बट यहाँ पर जो ये कैटेगरी होती है इनको हाइट के अंदर छूट दी जाती है, जिनके बारे में आप यहाँ पर भी छूट के साथ जानकारी देख पा रहे हो। चेस्ट की यहाँ पर जो बात की गई है उसमें आपका जनरल में 31x32 ये आपका इंच में जानकारी दी गई है। SC ST के लिए 29 से 30 और OBC का आपका 31 से 32 होना चाहिए। अन्य जानकारी भी आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। फिर आती है क्वालिफिकेशन की बात, तो अप्लाई करने के लिए इसमें आपसे 12वीं पास की योग्यता कम से कम मांगी जाएगी, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा अगर उसमें कुछ 10वीं का भी चांसेस है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए इसमें आपसे 12वीं की पास की योग्यता मांगी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अभी यहाँ पर कुछ क्लियर जानकारी नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें मे भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनमें फॉर्म में फ़ीस ज़्यादा ली जाती है। बट जो भी होगा वो आपको टाइम आने पर ये तो क्लियर हो ही जाएगा। बट इस वीडियो को बनाने का मेन पॉइंट यही था कि आपको इस जानकारी के बारे में
अवेयर किया जाए और साथ ही आपको जो एक एलिजिबिलिटी है वो भी बता दिया जाए ताकि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हो जाए। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।